दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण के दौरान कभी उनकी जुबान फिसल जाती है तो कभी लड़खड़ा जाती है, मगर कई बार मोदी जी अपने भाषण में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो शायद नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, मोदी जी ने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस द्वारा दिए गए 1,00,000 रुपए के वादे को याद दिलाकर कांग्रेस पर तंज कस रहे थे। 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, क्या दिख रहा है कि कांग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगा के खड़े हैं, ये पर्ची है, 1,00,000 रुपया कहाँ है, लाओ भाई, मांग रहे हैं लोग। तो? यानी आपने जनता जनार्दन की आंखों में कैसा उनको भ्रमित किया, कैसी आंख में धूल झोंक दी। अच्छा, तो बेचारा सामान्य नागरिक मान के चलता था भाई 4 जून के बाद रुपया मिल जाएगा, इसलिए वो जाके खड़ा रह गया। और अब उसको धक्का मारा जा रहा है, डंडे मारे जा रहे हैं, वहां से निकाला जा रहा है। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर। मगर दोस्तों, शायद वो भूल गए कि वादा तो उन्होंने भी किया था 15 लाख देने का। क्या? अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपए ले आए ना, वो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। 15 लाख मुझे मिलेंगे। और इसी आधार पर दोस्तों, मोदी जी के भाषण पर मीम्स बनाकर इसे खूब शेयर किया जा रहा है। वहीं इस वीडियो को लेकर लोगों का कहना है कि मोदी जी कांग्रेस की गलतियां गिनवाते गिनवाते अपने 15 लाख याद दिलवा गए। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या 15 लाख वाकई अकाउंट में आने की संभावना है? नहीं। कांग्रेस हमारे नेताओं के दम पर जीतना चाहती है, यही उनकी स्थिति। आप बोल रहे हैं ये? सुनिए, आप बोल रहे हैं ये? सुनिए। दोस्तों, पत्रकार अमीश देवगन की डिबेट का ये वीडियो इस समय जमकर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों का कहना है कि अमीश देवगन को पेमेंट टाइम पर नहीं मिला, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अमीश देवगन ने पलटी मार दी। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला, जिसे लेकर लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दरअसल शहजाद पूनावाला कांग्रेस पर ये आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस हमारे नेताओं को दम पर जीतना चाहती है, कांग्रेस लूटना चाहती है। दोस्तों, पूनावाला की इस बात को पकड़ते हुए अमीश देवगन ने शहजाद पूनावाला को एक्सपोज कर दिया। आप बोल रहे हैं कांग्रेस आपके, कांग्रेस आपके, अब अमीश जी जवाब भी देने, आपके नेताओं के दम पर जीतना चाहती है, तो अब जवाब, आपने ये बात बोली, अशोक चव्हाण किस पार्टी से आए हैं, जवाब देना पड़ेगा। अशोक चव्हाण किस पार्टी से आए हैं, जितिन प्रसाद किस पार्टी से आए हैं, आरपीएन सिंह किस पार्टी से आए हैं, आप खुद किस पार्टी से आए हैं, जवाब दीजिए। अब मैं जवाब देता हूँ, हंस गया आजा। इस वीडियो को देखने के बाद लोग हैरान हो गए कि आखिर अमीश देवगन ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्या वाकई अमीश देवगन को पेमेंट टाइम पर नहीं मिला, या शायद अमीश देवगन ने पलटी मार दी। दोस्तों, अमीश देवगन का ऐसा बदलाव देख आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जब मैं जेल के अंदर था दोस्तों, इन्होंने तरह तरह से मुझे यातनाएं देने की कोशिश की, इन्होंने मेरा इंसुलिन रोक दिया, मेरी दवाइयां रोक दी। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत बड़ा दावा किया है जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने अपने एक स्टेटमेंट के दौरान कहा कि जब मैं जेल में था तब इन्होंने मुझे तरह तरह से यातनाएं देने की कोशिश की, मेरी दवाइयां बंद कर दी गईं, मेरा इंसुलिन रोक दिया गया। अरविंद केजरीवाल ने आगे बताया कि पिछले 10 साल से मेरे 4 इंसुलिन लगते हैं और इन्होंने 15 दिन के लिए मेरा इंसुलिन रोक दिया था। मेरी किडनी खराब हो सकती थी, मेरी मौत हो सकती थी, क्या अमित शाह जी आपका यही मकसद था? दोस्तों, बिग बॉस का नया प्रोमो आने के बाद बाबा अनुरुद्राचार्य जी इस समय चर्चाओं में हैं। आपको बता दें, बिग बॉस को लेकर अनुरुद्राचार्य जी ने कहा था कि मुझे कोई करोड़ों रुपए भी देगा तब भी मैं बिग बॉस में ना जाऊं। महाराज जी, एक न्यूज बहुत वायरल हो रही थी कि आपको बिग बॉस से भी ऑफर आया। कल ही आए थे बिग बॉस की पूरी टीम। अच्छा महाराज जी, वो तो कह रहे थे पैसे भी करोड़ों में दे रहे थे। हाँ, तो करोड़ों में देने को तो वो तैयार है, मैं आज बोलूं तो वो करोड़ों रखने को तैयार है। कि जो शेर होता है ना, वो कभी कुत्तों की दौड़ में सम्मिलित नहीं होता, वहाँ तो लड़ने झगड़ने वाले भौंकने वाले कुत्ते हैं, हम वहाँ जाके क्या करेंगे। बाबा जी जो है वो बिग बॉस 18 के सेट के बाहर खड़े हुए पाए गए यार, मतलब कुछ भी हो रहा है दुनिया में। आपको बोला है ना, बाबा जी बहुत कर्रे वाले इन्फ्लुएंसर हैं, एक सिंगल मौका नहीं छोड़ेंगे वो ऐसी जगह जाना जाने में। राधे राधे राधे, आप किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं? राजनीतिक लोग बहुत लालची होते हैं और लालच ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें जाने। विवाह हो गया? नहीं। कितनी आयु है आपकी? 22 से छोटा हूँ अभी तो बच्चे हैं। तो देखना पड़ेगी, एक आपके लिए। नहीं नहीं, मैं जो लाऊंगा ना वो भागेगी नहीं, हमको भगोड़ी चाहिए। खैर दोस्तों, जो भी हो, हर आदमी पैसे के साथ साथ अपनी लोकप्रियता को भी बढ़ाना चाहता है। फिलहाल दोस्तों, वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम।